अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू दिस सुबेन वर्ल्ड। आज हम बनाने वाले हैं द इजीएस्ट टू वेजी पास्ता सैलड। इट्स सो हेल्दी एंड सो सैटिस्फाइंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पास्ता बॉईल कर लेंगे। एक कप पास्ता हमने यहाँ बॉईल करनी है, सो हम उसी हिसाब से पानी डाल देंगे। हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून ऑयल। पानी को जब बॉयल आने लगेगा तो हम उसमें पास्ता ऐड कर देंगे और इसको कुक कर लेंगे। पास्ता बॉयल हो जाएगा तो अब हम सैलड के लिए ड्रेसिंग रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हम अब एक बाउल ले लेंगे और उसमें हम 1 लीमू का रस डालेंगे। इसमें हम 2 टेबलस्पून मायोनेज ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून केचप और 2 टेबलस्पून ही क्रीम ऐड करेंगे। बाउल में मुझे तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सो अब यहाँ पे सैलड की ड्रेसिंग रेडी हो चुकी है। इसके बाद हम तमाम वेजेस की कटिंग कर लेंगे। जितनी क्वांटिटी में हमने सैलड बनाना है यहाँ पे, हम उसी हिसाब से वेजेस लेंगे। यहाँ पर वेजिटेबल की पसंद नापसंद के हिसाब से हम इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई वेजिटेबल पसंद नहीं है तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं, या जो पसंद है उसको ऐड कर सकते हैं। कटिंग हमारी हो गई है कंप्लीट और अब नेक्स्ट स्टेप पे हम तमाम वेजेस को फ्राई कर लेंगे। उसके लिए हम एक पैन ले लेंगे और उसमें 1 to 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डालेंगे। उसके अंदर हम 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और 3 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने तमाम वेजिटेबल्स को ऐड करना है, जिसमें बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर है। इसको हाई फ्लेम पे जस्ट 1 to 2 मिनट्स के लिए फ्राई करना है। फ्लेम को लो या मीडियम पर नहीं रखना। ऐसा करने से तमाम सब्जियाँ अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर देंगे और हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। फ्राई करने के दौरान ही हमने उसमें 1/2 टेबल स्पून चीनी ऐड करनी है और अच्छे से इसको मिक्स कर देना है और फिर उतार के इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देना है। सो यहाँ पे हमारी तमाम चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, तो अब जस्ट इनको मिक्स करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बाउल लेंगे, उसमें तमाम फ्राई की हुई वेजेस ऐड कर देंगे। उसके बाद हम उसमें बॉयल किया हुआ पास्ता ऐड करेंगे। उसके बाद हम उसमें खीरा और सेब जो हमने कट करके रखे थे वो ऐड करेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर जो ड्रेसिंग हमने बनाई थी उसको पेस्ट कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको वैसे तो खाते ही हैं, बट ये चावल रोटी सब में एडजस्ट हो जाती है। सो गाइस, हमारा इजीएस्ट वेजी पास्ता सैलड रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और इसको कोरिएंडर लीव्स और क्रीम के साथ थोड़ा सा गार्निश करेंगे। ये बनाने में जितना इजी और क्विक है, खाने में उतना ही टेस्टी और हेल्दी भी है। और अगर गेस्ट आ जाएं तो ये सर्विंग मील के तौर पर बेस्ट ऑप्शन है। ये बहुत इजी स्नैक है और साइड डिश के तौर पर भी ये बहुत लुत्फ देती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। So guys, like, subscribe, press the bell icon, comment done. We'll see you next time. Allah Hafiz.